हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ग्वाभा प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ। ग्वाभा प्लांट में अभी फ्लावरिंग स्टेज बहुत सारे आ गए हैं और मेरे प्लांट में बहुत सारे फूल खिल के फ्रूट में भी थोड़े थोड़े कन्वर्ट हो चुके हैं। और दोस्तों, उसका जो फ्रूट में कन्वर्ट हो चुका है, आप कैसे फ्रूट ड्रॉप ना हो आपके छत के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्वाभा ले सके और उसका आनंद ले सके, उसी के बारे में फ्रूट ड्रॉप्स रोकने के लिए और सारा कुछ इस वीडियो में मैं टिप्स बताने वाला हूँ कैसे केयर लेना है। तो दोस्तों, मैं पहले पूर्व के एक मंथ के पहले वीडियो छोड़ा हुआ था, उस वीडियो को अगर आप देखे होंगे, इस वीडियो को देखने से बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उस वीडियो में सारा कुछ मैं प्रैक्टिकली अप्लाई किया था, जिसका रिजल्ट मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। क्योंकि उस वीडियो में मैं प्रोनिंग किया था, सारा कुछ फर्टिलाइजर दिया था और कैसे आप ग्वाभा प्लांट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग ले सके, उसका सारा कुछ टिप्स उसका वीडियो में बताया था, जो कि एक महीने के बाद मेरे को मैं इस पौधे में अप्लाई किया था, जो कि मेरे को एक मंथ के बाद अच्छी तरीके से रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों, जो कोई भी हमारे चैनल में नए आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर मेरा ये टिप्स इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इसको मैं एक मंथ के पूर्व सारा प्रिपरेशन किया था, इसमें मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्वाभा लेने के लिए। ये हमारा मदर प्लांट से एयर लेयरिंग में किया हुआ था और देखिए, एयर लेयरिंग का पौधा है मेरा मदर प्लांट। ये महाराष्ट्र वेराइटी का ग्वाभा है, जो कि मेरे छत के ऊपर एक फ्रूट का वेट लगभग 450 के आसपास जाता है छत के ऊपर। मिट्टी में लगाने से तो बहुत ज़्यादा जाएगा, छत के ऊपर इतना ही हो बहुत ही काफ़ी है। ये देखिए, कार्टून में मैं लगाया हूँ और पूरी तरीके से ड्रॉप स्टेज में मैं मल्टीपल ब्रांचेस करके इसको बहुत ही कम हाइट में रखा हुआ हूँ। और दोस्तों, उसका रिजल्ट देखिए, इसमें देखिए एक एक ब्रांच में लगभग 10-10 ठो करके फ्लावर खिल के फ्रूट में भी कन्वर्ट होने लगा है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे सारे ब्रांच में एक मिनिमम से लेकर लगभग 6-7 ठो फ्लावर आए हुए हैं एक एक ब्रांच में। ये देखिए, यहाँ पर 3 ठो आए हैं, कुछ फ्रूट में भी कन्वर्ट हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। इस ब्रांच में भी देखिए, इसमें ब्रांच में भी देखिए 4 ठो आए हैं और सारा खिल चुका है, फ्रूट में भी कन्वर्ट हो चुका है। और देखिए, यहाँ पर भी आए हैं। देखिए, जहाँ पर भी आप देखेंगे, कम से कम सारे ब्रांच में एक एक ठो तो कम से कम ही आए हैं। देखिए, यहाँ पर भी 3 ठो आए हैं, कुछ फ्लावर खिल चुका है और कुछ खिलने के लिए बाकी है। देखिए दोस्तों, वहाँ भी आए हैं और यहाँ भी आए हैं। ये हमारा छोटे एक, देखिए इतना पौधे में लगभग 30 से 35 के आसपास फ्लावरिंग आए हैं। जितने ब्रांच है उतने सारे में आए हैं और कुछ जो ब्रांच रह गए हैं वो आएंगे बारिश के मौसम में। इतने ही बहुत काफ़ी है ये छोटे पौधे के लिए। तो दोस्तों, ये जो सारे आ गए हैं, ये फ्रूट ड्रॉप्स ना हो आप कैसे, इसलिए टिप्स जाता हूँ। दोस्तों, देख पा रहे होंगे इस सारे, अभी धूप का मौसम आ गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने चालू हो गया है। तो दोस्तों, आप पहला ये टिप्स है कि आप अभी ये जो टाइम पे फ्रूटिंग टाइम पे आप ये जो मिट्टी में हर वक्त नमी बनाए रखना है, आपको मॉइस्चर जैसे ही रहना है, ये मिट्टी आपको सूखने नहीं देना है। अगर आपका ये मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है, पौधा मुरझा जाता है, तो आपका पौधा जो है फ्रूट सारे ड्रॉप कर सकता है। इसलिए आपको पहला टिप्स ये है कि आपको नमी। और दोस्तों, दूसरा टिप्स ये है कि ये जो फ्रूट ड्रॉप्स होता है, ये सारे डंठल, ये कमज़ोरी की वजह से कुछ, इसका न्यूट्रिशन कमज़ोरी की वजह से ही ड्रॉप होता है। वो सारे न्यूट्रिशन हमको फिलअप करना है, जो कि एक हार्मोन के प्रयोग से आपका ये डंठल सख्त करेगा और प्लांट को बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होने के लिए उसको प्रेरित करेगा।
तो दोस्तों उसके लिए आपको ये देखिए, ये प्लानोफिक्स आता है, ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसमें एक ठो NA नाफ्थलिन एसिड नामक एक हार्मोन रहता है, जो कि पौधे के जो ये विकास के लिए, फ्रूट के विकास के लिए और पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करता है दोस्तों। इसी स्टेज में दोस्तों देखिए, ये जो फ्रूट आपका रह गया है, इसी स्टेज में फ्लावर पकड़ने के बाद, फ्रूट पकड़ने के बाद आपको ये जो हार्मोन आता है, एक ML आपको 4.5 लीटर पानी में मिलाकर पूरी तरीके से सारे पौधे में आपको स्प्रे करना है। जो कि ये हार्मोन का काम होता है कि ये डंठल को मजबूत करता है और पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से आपको देता है। इसी वक्त ही ये टाइम है आपको ये तो स्प्रे दोस्तों करने का। ये देखिए, और एक ये हमारा पौधा है जो कि उसी एयरलरिंग से मैं निकाला था। इसमें भी देखिए, सारे ब्रांच में कहाँ पर भी ऐसा नहीं है। ये देखिए, सारे ब्रांच में फ्लावरिंग आया है। और दोस्तों आपका अगर फंगस का अटैक होता है इसी स्टेज में, ये देखिए ये सारे फ्लावर खिल चुके हैं। आप उससे जो हार्मोन जो प्लानोफिक्स के साथ कुछ फंगस भी मिलाकर इसके ऊपर स्प्रे कीजिए, क्योंकि अभी फंगस का अटैक के वजह से भी फ्लावर बहुत ज़्यादा ड्रप होता है। इसीलिए एक ही साथ प्लानोफिक्स के साथ ही साथ आपको ये फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड कोई भी आपको स्प्रे करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा पौधा का। कोई भी आपका फ्रूट अभी ड्रप नहीं होगा दोस्तों। ये देख पा रहे होंगे, सारे ब्रांच में फ्लावर पकड़े हुए हैं। यहाँ पर 2 ठो मेरा ग्वाभा प्लांट लगा हुआ है, जो कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। और ये मैं देखिए, इसमें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में दोनों में फ्लावर आए हैं दोस्तों। अगर आप पहले वाला वीडियो में जो जो मैं टिप्स बताया था, उस टिप्स को पहले अगर फॉलो करते हैं तो इसी तरीके से आप रिजल्ट तुरंत ही पा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं 1 महीने के पूर्व इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह सारा कुछ ट्रीटमेंट किया था। अभी मेरे को थोड़ा फर्टिलाइज़र अभी नहीं देना है दोस्तों, अभी यही दोनों चीज़ के ऊपर काम करना है दोस्तों। मेरा और एक वीडियो आएगा जो कि इससे, इसमें जब फर्टिलाइज़र का आवश्यक होगा, मैं उस वक्त आपको मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों। इसीलिए आप मेरे चैनल को हर रोज़ फॉलो कीजिए। मैं ज़रूर और एक वीडियो शेयर करूंगा कैसे न्यूट्रिशन आपको देना है। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही अपडेट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका सारा कुछ मैं बताऊंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।